जय हिंद फ्रेंड्स। इतिहास के अंदर काफ़ी सारी शोध ऐसी है जो किसी ने इन्वेंटर ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है उसके हाथों इन्वेंट किया जाएगा। आज ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम ये टॉपिक के अंदर बात करेंगे, और ये प्रोडक्ट है वैसलीन, जो आमतौर पर हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर उसको यूज़ करता है। विंटर सीजन में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो आदमी है ना, सर रॉबर्ट चेसब्रो, इसके ऊपर ये वैसलिन स्टोरी और ये वैसलिन का जो इन्वेंशन है ये आदमी ने किया था, वो भी मतलब बिना सोचे है, बराबर। तो ये मतलब कुछ बात ऐसी है, ये जो रॉबर्ट चेसब्रो जो थे वो 1815 के आसपास, मतलब के मिड 18 सेंचुरी में वेल का जो स्पर्म ऑयल रहता है उसको सेल करने का ये बंदा काम करता था। और कुछ हुआ यूं कि 1859 के आसपास अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम का ड्रिलिंग चालू हुआ। एक्चुअली इनका जो बर्थ है वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बिजनेस के चलते ये सर रॉबर्ट चेसब्रो अमेरिका में जाके बस गए थे। और हुआ यूं कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक करके कोई बिजनेसमैन था जिसका ऑयल का ड्रिलिंग का बिजनेस चलता था। तो एक दिन ये सर रॉबर्ट चेसब्रो, 1959 का आसपास का साल हुआ होगा, और वहाँ पे स्टडी करने के लिए वो ऑयल वेल जो था वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वाइट कलर का कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो ड्रिल का रोड रहता है उसके ऊपर वो चिपक जाता था, और ड्रिल करने के लिए भी मतलब जो टेक्नीशियन थे उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो सर रॉबर्ट चेसब्रो ने वो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा उनके साथ डिस्कशन किया, और उसको बातों बातों में ऐसा जानने को भी मिला कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं घाव लगता है, अगर वहाँ पे लगा देते हैं तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। तो सर रॉबर्ट चेसब्रो वो प्रोडक्ट अपने साथ अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च करने के लिए साथ में लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद और स्टडी करने के बाद में सर रॉबर्ट चेसब्रो ने अपने ही हाथ पे जख्म करने के बाद में वो वाइट वाला जो प्रोडक्ट, वाइट वाला जो मटेरियल था वो वहाँ पे लगाया, और उसको रियली ऐसा लगा कि शायद ये बहुत कुछ बेनिफिट है। और ऐसे ही अनजाने में उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन कर लिया था जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हर आदमी उसको यूज़ करने वाला था, लेकिन उस टाइम पे उसको ये पता नहीं था कि वो क्या इन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं। सर रॉबर्ट चेसब्रो ने ये जो नया वाला प्रोडक्ट उन्होंने जो इन्वेंट किया था उसका नाम पसंद करने के लिए उन्होंने जर्मन वर्ड्स वेजर, यानी कि उसका मतलब होता है पानी, और ग्रीक वर्ड्स इलियोन, उसका मतलब होता है तेल, ये दोनों को मिला के वो प्रोडक्ट का नाम रखा वैसलीन। और वो खुद उसका ब्रांडिंग करने के लिए मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करने के लिए चले जाते थे, और वो खुद अपने हाथ पे घाव लगाते थे, फिर वो वैसलीन को अपने जख्म पे लगाते थे, और वो लगाने के बाद में उसका वो मार्केटिंग किया करते थे। और आज की तारीख में जो वैसलीन ब्रांड है वो यूनिलीवर का ब्रांड है। एक्चुअली ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया था चेसब्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जो सर रॉबर्ट चेसब्रो का ही फर्म था, लेकिन 1955 में उन्होंने ये प्रोडक्ट पॉन्ड्स को सेल कर दिया, और हाल में जो पॉन्ड्स प्रोडक्ट है वो यूनिलीवर का एक ब्रांड है। 1933 में सर रॉबर्ट चेसब्रो का डेथ हो गया था और वो दुनिया छोड़ के चले गए थे, लेकिन तब तक 1933 यानी कि 1859 में स्टार्ट हुआ और 1933, इतने सालों के अंदर वैसलीन जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हर आदमी के मुंह के ऊपर इसका नाम लग गया था, और सब ये प्रोडक्ट के बारे में जानने लगे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।